हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़े मायने रखते हैं। मित्र वो जो हमारा हित चाहे, जो हमारे सुख दुख में हमारी सहायता करे, हमारा साथ दे। कुछ मित्र जन्म से होते हैं, कुछ मित्र हम स्वयं बनाते हैं, कुछ मित्र परिवार में मिल जाते हैं, तो कुछ मित्र जीवन की यात्रा में। परंतु शत्रु हमें जीवन में कभी भी मिल जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि वास्तविकता में आपका सबसे बड़ा शत्रु है कौन? आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके भीतर छिपा बैठा है, और वो है आपका क्रोध। आप जिनसे रुष्ट होते हैं, उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। परंतु तनिक शांत मन से सोचिए, जिन्हें आप हानि पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा करने से पूर्व आप स्वयं भीतर से जलते हैं। क्रोध एक सुलगते हुए अंगारे के समान होता है, जिससे आप अपने शत्रु को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। परंतु ऐसा करने से पूर्व आपको स्वयं उस सुलगते हुए अंगारे को उठाना पड़ता है, और शत्रु से पहले स्वयं को जलना पड़ता है, उसकी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो यदि आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति पानी है, तो पहले आप स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। होना भी चाहिए। जब वो हर स्थान पर पराजित हो जाता है, हर मोड़ पर असफल हो जाता है, टूट जाता है, तो वो कहता है कि यदि भगवान ने एक द्वार बंद किया है, तो वो दूसरा द्वार अवश्य खोल देंगे। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? तो बताइए, यदि ये सत्य है, तो ऐसा क्यों होता है कि कई लोग असफल होते हैं, कईयों को वो द्वार दिखाई ही नहीं देता? क्या भगवान आपके साथ छल कर रहे हैं? नहीं, भगवान आपके साथ छल नहीं करते, आपका मन है जो आपके साथ छल करता है। मन जिसमें मोह है, अब भगवान कहें या नियति, वो ना द्वार खोलती है ना द्वार बंद करती है, ऐसा हमारा मन समझता है। द्वार तो सदैव खुले होते हैं, परंतु असफल हो जाने के पश्चात मनुष्य उस बंद द्वार को देखता रहता है, और इसी कारण वो अन्य द्वार को ना देख पाता है ना खोज पाता है। तो सफलता पाने का मूल मंत्र है मोह का त्याग, निरंतर परिश्रम, और फिर देखिए आपको अपने जीवन में सारे मार्ग खुले हुए मिलेंगे। एक मनुष्य सदैव शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे उसे यह अधिकार मिलता है, वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है, वो उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनंद, अपने लाभ के लिए करता है, अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है, जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे, उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेकर जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में, परंतु समय के सूर्य की किरण उसी जल को वश्म में परिवर्तित भी कर देती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाभ ना उठाएं कि वो उग्र हो उठे। हृदय में जैसे प्रेम, शत्रुता, ईर्ष्या और ऐसे अनेक भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। ये भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। कैसे? जिसके हृदय में पाप कर्म का भय ना हो,
वो सदा अधोगति के मार्ग पर चलता है, और जिसके हृदय में पाप कर्मों का भय हो वो सदा उन्नति और पुण्य के मार्ग पर चलता है। भय बुरा नहीं, भय है कि नहीं ये बुरा है, और भय किस बात का है ये महत्वपूर्ण है। वंश के यश का भय आपको हर वो कार्य करने से रोकेगा जिससे वंश का नाम खराब हो। प्रेमी और मित्रों को खो देने का भय आपको सदैव उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव आज्ञाकारी और स्वाध्यायी बनाए रखेगा। अर्थात भय वो अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को विकास की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं या फिर स्वयं को निष्ठुर बना सकते हैं। भय से भय मत करो, भय उस दृष्टिकोण से करो जिससे आप भय को देखते हो। मनुष्य के जीवन में कई चिंताएं, आज युवा है कल बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा, आज सफल हैं कल असफल हो जाएंगे, हार जाएंगे तब क्या होगा। आप कहेंगे यही उचित है, यही तो मनुष्य के जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। नहीं, मनुष्य के जीवन की ये वास्तविक समस्याएं नहीं, ये केवल आभासी समस्याएं हैं, आपके मन की उत्पाद है। मनुष्य की हार तब नहीं होती जब उसे विजय प्राप्त नहीं होती, मनुष्य की हार तब होती है जब वो विजय प्राप्त करने की आशा को ही छोड़ बैठे। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब वो लक्ष्य साधने में असमर्थ हो जाए, मनुष्य बूढ़ा तब होता है जब वो नए लक्ष्य साधना छोड़ दे। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें साथ छोड़ जाएं, जीवन तब समाप्त होता है जब जीवन जीने की आशा साथ छोड़ जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, स्मरण रखिएगा। कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि हमें कोई ऐसा मार्ग मिल जाए कि हमें हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना। इसी कारण हम अपना अधिकतर समय इसी प्रयास में लगाते हैं, और कदाचित इसी कारण हम लक्ष्य प्राप्त करने के आनंद का भोग नहीं कर पाते। लक्ष्य महान हो या ना हो, परंतु हमारी यात्रा महान होनी चाहिए। असफल होने पर भी, पराजित होने पर भी, हमारे प्रयासों का अनुभव महान होना चाहिए। विजय तो कभी कभी भाग्यवश कायरों को भी मिल जाती है, परंतु हमारा द्वंद महान होना चाहिए। आपकी विजय भले ही छोटी हो कोई बात नहीं, परंतु आपका युद्ध महान होना चाहिए। इसलिए अपने हर पल को, हर प्रहार को धार दीजिए ताकि आपका प्रत्येक प्रहार प्रतिलक्षित हो सके।